सो हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हो सारे? दिस इज मी विजय कुमार एंड अगेन टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर डेली जीएफजी चैलेंज। दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट फाइंडिंग kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री दिया रहेगा हमारे पास और हम लोग को फाइंड करना है kth लार्जेस्ट एलिमेंट। सो लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3 इन दिस केस एंड इफ यू सॉर्ट एवरी एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर देन अवर टास्क इज टू रिटर्न kth एलिमेंट फ्रॉम लास्ट। So in this case, this is our sorted array and third largest element in this case is equal to 12. This is our answer for value of k is equal to 3. So how to perform this type of operation? ठीक है, ये जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं हम लोग इसे कैसे परफॉर्म करेंगे। एक तो काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है, अपन लोग एक एरे क्रिएट कर लेते हैं और अपने बी एस टी में एक एक करके एट्रेट करते हैं, जितना भी नोड को विजिट करते हैं सारे नोड को अपने एरे में इंसर्ट करते चलते हैं। ठीक है, फाइनली वी विल सॉर्ट अवर एरे, अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे एंड वी कैन रिटर्न kth एलिमेंट फ्रॉम लास्ट। ठीक है, सो इन दैट केस आवर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इन ऑर्डर ऑफ n log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर वहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n फॉर क्रिएटिंग एन एरे एंड सिमिलरली ऑर्डर ऑफ n log n फॉर सॉर्टिंग एरे। एरे को सॉर्ट करने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज होगा? ऑर्डर ऑफ n log n। ओके, नाउ वी विल रिड्यूस ऑर्डर ऑफ n log n इनटू ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n में रिड्यूस करेंगे, सिमिलरली ऑर्डर ऑफ n को रिड्यूस करेंगे ऑर्डर ऑफ 1 में। बात करते हैं कैसे रिड्यूस करेंगे। अगर हम लोग अपने बी एस टी पर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एट्रेट इन लेफ्ट साइड, देन वी विल एट्रेट ऑन रूट नोड, देन फॉर राइट साइड। ओके, फर्स्ट फॉर लेफ्ट, सेकेंड फॉर रूट एंड थर्ड फॉर राइट। मेक सेंस? सो इन दिस केस अगर हम लोग इस बी एस टी में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सबसे लेफ्ट वाले पार्ट में जाएंगे। सबसे लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पर क्या है? 3 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन लोग प्रिंट करेंगे 3। देन ये जो हमारा चाइल्ड नोड है इसका जस्ट वाले जो पेरेंट नोड है वो कौन सा है? 6 है। सो 6 विल बी आवर नेक्स्ट एलिमेंट और उसका राइट वाला एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 8 है। सो 8 विल बी आवर नेक्स्ट एलिमेंट। नाउ लेफ्ट साइड ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म, सो आवर नेक्स्ट रूट इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट रूट इज इक्वल टू 10। नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज टू इटरेट इन राइट साइड। राइट साइड में अगर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो राइट साइड वाले का फिर से हम लोग लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे, सिमिलरली इन रूट नोड, सिमिलरली इन राइट साइड। तो लेफ्ट वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 एंड रूट नोड इज इक्वल टू 16। देन आफ्टर आवर एलिमेंट इज 18। सो इन दिस केस वी कैन ईजिली विजुलाइज आवर एरे इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर। हमारा एरे क्या है इसमें? सॉर्टेड ऑर्डर में है। इन दिस केस स्पेस रिक्वायर्ड इज ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 कह सकते हैं हम लोग। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ n होगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज वी विजिट एवरी नोड ओनली वंस। सारे नोड को अपन लोग एक एक बार बस विजिट किए हैं। ओके, बट सी इन दिस केस वी नीड टू फाइंड kth एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, kth एलिमेंट फ्रॉम लास्ट। सो वी कैन से n माइनस k प्लस 1th एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग। शुरुआत से जो इतना मीन्स n माइनस k प्लस 1 वाला एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? kth एलिमेंट फ्रॉम लास्ट होगा। अब n माइनस k प्लस 1th एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? n को फाइंड करना होगा। डेट्स वाई वी हैव टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन किसके लिए फाइंड करना होगा? टू फाइंडिंग साइज ऑफ मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन आवर बी एस टी, टू फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन आवर बी एस टी। एंड सेकेंड ऑपरेशन फॉर फाइंडिंग n माइनस k प्लस 1th एलिमेंट। सो यहाँ पर दो बार ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है हमें। सो ऐसा करते हैं कुछ कि हमें एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करें हम लोग और हमारा काम हो जाए। ठीक है, सो इन ऑर्डर को हम लोग थोड़ा रिवर्स कर देते हैं। इन ऑर्डर में क्या होता है? पहले हम लोग लेफ्ट ट्रेवर्स करते हैं, फिर रूट, फिर राइट। तो उसमें एरे किस में सॉर्टेड होता है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होता है। नाउ लेट अस सपोज इफ यू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट, देन रूट एंड देन इन अवर लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होगा? एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। सो इन दिस केस अवर एरे विल बी 18, 16, 12, 10, 8, 6 एंड 3। सो नाउ यू कैन इजिली रिटर्न अवर kth एलिमेंट फ्रॉम बिगनिंग। kth एलिमेंट शुरुआत से हम लोग काफ़ी इजिली यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। सो या
इन दिस केस नंबर ऑफ ऑपरेशन इज वन, मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी टाइम ट्रेवर्स करना पड़ेगा पूरे बीएसटी में, तो वो वन हो जाएगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ वन, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन और काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है ये। देखो लॉजिक लॉजिक है ठीक ठाक, बट अप्रोच काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ऐसा है कि मीन्स कोई भी समझ जाएगा इस टाइप का अगर अप्रोच को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसके सामने में, तो ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, एक चेक नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, ओके। एंड मैक का वेरिएबल नेमिंग आंसर हम लोग इसे ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। और चेक नाम के फंक्शन में जो हम लोग देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते हैं, पहले अपन लोग लेफ्ट साइड चेक करते हैं, फिर रूट में, फिर राइट में। तो यहाँ पर पहले अपन लोग राइट साइड में चेक करेंगे, किस में चेक करेंगे, पहले राइट साइड में चेक करेंगे इन लाइन नंबर 88। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इन राइट साइड और हर एक बार हम लोग के माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। हर एक बार हर एक टाइम हम लोग क्या करेंगे, के माइनस माइनस करते चलेंगे। लेट सपोज अगर मान लेते हैं हम लोग के का वैल्यू है 2 और हमारा जो बी एस टी है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद वो हमारा कुछ ऐसा होता है 10 9 8 7 6, ठीक है। एंड के का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो पहला बार अगर जब हम लोग आइट्रेट करेंगे तो 10 से अगर 9 पर गया तो के का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब अगला बार हम लोग चलेंगे 9 से तो के का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो हियर वी आर चेकिंग लाइन नंबर 19, इफ वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0 देन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज आवर आंसर, रूट टू डेटा गोट असाइंड इन टू आवर आंसर, देन वी विल परफॉर्म ऑपरेशन इन लेफ्ट साइड। उसके बाद हम लोग किस में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट साइड में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो या फाइनली रिटर्न आवर आंसर, लेट अस सबमिट आवर कोड। सो गाइस आवर कोड गॉट एक्सेप्टेड एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन तो देखो काफ़ी सिंपल है, आई डोंट थिंक देर इज एनी क्वेरी इन एक्सप्लेनेशन और कोड, ओके। सो अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो या थैंक यू वंस अगेन।